दोस्तों, मैं लोकसभा चुनाव की यात्रा में जिगनहट के आगे डढ़िया गांव में हूं और यहां एक कवि मध्य प्रदेश बिजली विभाग के कर्मचारी रह चुके हैं, वो रिटायर्ड है और गांव पे रहते हैं। काफ़ी बगिया उन्होंने सजा रखी है अपनी और वो सबसे अच्छी बात क्या है, वो कवि हैं। इस चुनाव को लेकर मैं उनसे उनके विचार जानना चाहता हूं कविता के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये गांव रढ़िया है, यहाँ का निवासी हूँ। विद्युत विभाग में संभागीय लेखापाल के पद से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और ये मेरी हाबी है कुछ ना कुछ लिखना, गीत लिखना, गाना गाना और मेरी सीढ़ियाँ भी चलती हैं, ये मेरी हाबी है। वास्तव में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो लोकतंत्र के लिए, जनतंत्र के लिए चुनाव होना अति आवश्यक है और बहुत ही अच्छी बात है। रहा सवाल कि सरकार किसकी बने, तो जो मेरे विचार मेरे मत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुमलेबाज सरकार है। ये केवल आश्वासन देती है, बोलती है और कार्य पूरे नहीं करती। तो ऐसी स्थिति में मेरी धारणा है कि अन्य दलों की सरकार बने अगर बीजेपी की सरकार न बने, तो बाकी जो है मतलब जनता जिसका जैसा भी मूड हो वो जाने की, केवल मेरे भर कह देने से सरकार न बदलेगी न बनेगी। लेकिन जो व्यक्तिगत मेरा विचार है, मेरे विचार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनना चाहिए। मोदी जी ने टैक्स में भी जो है बहुत कुछ चीज़ें ऐसी लगाई थी जिससे जो है मतलब आम जनता को काफ़ी पीड़ित होना पड़ा। मोदी जी के शासनकाल में दाल भी 200 रुपये किलो तक बिक चुकी थी। आपने इन टैक्स पे एक कविता बनाई है, मैं सुनना चाहूँगा कि टैक्स पे आपने क्या। मैंने चंद पंक्ति आपको सुना रहा हूँ, मैंने एक लिखा था, मोदी जी मेरे मरने के बाद, मोदी जी मेरे मरने के बाद बस इतना कष्ट उठा लेना जिस घाट पे मेरी अर्थी जले, उस घाट पे टैक्स लगा देना मोदी जी मेरे मरने के बाद। सभी वस्तु पर टैक्स लगाया, लकड़ी कफन पर टैक्स न लाया, तो एक तमन्ना जनमानस की, एक तमन्ना जनमानस की, कफन पे टैक्स लगा देना मोदी जी मेरे मरने के बाद, बस इतना कष्ट उठा लेना जिस घाट पे मेरी अर्थी जले, उस घाट पे टैक्स लगा देना मोदी जी मेरे मरने के बाद। आपने तो ऐसी कविता सुना दी कि इससे बड़ी मार मोदी सरकार के लिए नहीं हो सकती। लेकिन काले धन पे भी आपने कुछ बनाया था। काला धन के बारे में जो है मतलब दो पंक्तियाँ मैंने लिखी थी। उस समय जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और उसी समय वरिष्ठ वकील श्री जेठा मलानी जी जो है और मोदी जी के बीच में कुछ जो है नोक झोंक हुआ करती थी, उसी बात को लेकर के मैंने चंद पंक्तियाँ लिखी थी। अरे कहते हैं जेठा मलानी, मोदी जी मत करो बेईमानी, कहते हैं जेठा मलानी, मोदी जी मत करो बेईमानी, झूठ बोल कर सत्ता में आया, करके वादा नहीं निभाया, बेचे दाल मनमानी, मोदी जी मत करो बेईमानी, कहते हैं जेठा मलानी, मोदी जी मत करो बेईमानी, काला धन नहीं देश में लाया, देश का धन विदेश पहुंचाया, आंसू बहाएं अडवानी, ए भैया आंसू बहाएं अडवानी, मोदी जी मत करो बेईमानी, कहते हैं जेठा मलानी, मोदी जी मत करो बेईमानी। मोदी जी की सभाओं में जो भीड़ आती है उस पे भी आपने कुछ चार पंक्तियाँ लिखी थी, कहीं प्रकाशित हुई थी, मैंने पढ़ा है उसको। उस पे आप जहाँ भी मोदी जी की सभा होती थी
उस सभा में मोदी जी भाड़े की भीड़ बुलवाया करते थे और उस क्षेत्र के आसपास के जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया जाता था कि आपको इतनी भीड़ लाना है और आपको इतना खर्च करना है। जो नगर पालिका और नगर पंचायतों में विकास के लिए धन आता था उसी धन से मोदी जी भीड़ का संग्रहण कर लेते थे और विकास नहीं हो पाता था। तो उस पर मैंने लिखा था कि मोदी जी आएंगे, भाषण सुनाएंगे, भाड़े की भीड़ से ताली बजवाएंगे, वादों की होगी बौछार हो शहरों और नगरिया, वादों की होगी बौछार हो शहरों और नगरिया, प्रांत के शहरों से भीड़ जुटाया, नगर प्रशासन से खर्च कराया, जिस धन से होना था विकास वह धन सभा में हुआ खलास, झाड़ू लगवाएंगे, कचरा उठवाएंगे, पूरे भाषण में बस यही सुनाएंगे, हो गए करोड़ों खर्च हो सुनने खातिर तालियां, होंगे करोड़ों खर्च हो सुनने खातिर तालियां। आप लोगों ने सुना उर्मलिया जी के मन से निकली हुई यह बातें, अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो इसे आगे बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। मैं रम्मू सिंह, मेरे चैनल को सबसे पहले देखने के लिए मेरे इस चैनल में सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।